जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अगर आप लोग भी अलमराई कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने CV अपनी कहाँ पर सेंड करनी है। ठीक हो गया, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे चल के एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है और कैसे करना है, CV आप लोगों ने किसको सेंड करनी है। ठीक हो गया गाइस, एक एक चीज़ समझाऊंगा, गौर समझिएगा। डिटेल्स शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं उस बंदे की हेल्प करता हूँ जो बंदा मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं आया, उसकी एक ही वजह है कि आप लोग मेरे जो है सब्सक्राइबर नहीं है। अदरवाइज आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर डिटेल दूंगा। अभी चलें बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है और अपनी CV कहां पे आप लोगों ने सेंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो मेन डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें, ड्राइवर की वैकेंसी अवेलेबल रहती है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि ड्राइवर की जो वैकेंसी अवेलेबल होती है इसमें कितनी जो है हमें कंपनी की तरफ से सैलरी मिलती है, यानी ड्राइवर्स की जो सैलरीज है वो कितनी होती है। ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊं, ड्राइवर्स की जो सैलरीज है वो कम से कम 3000 होती है। ठीक है, इसमें कमीशन पे काम होता है, ड्राइवर्स को कमीशन पे सैलरी मिलती है। कमीशन यानी कि कहने का मतलब है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ड्राइवर जितने ज़्यादा सेल करेगा उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी आएगी। ठीक है, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी निकलती है अगर बात की जाए ड्राइवर की सैलरी की। तो इसके अलावा दूसरी जो वैकेंसी है हेल्पर्स की होती है, जो ड्राइवर के साथ हेल्पर्स होते हैं जो अनलोडिंग का काम वगैरह करते हैं। ठीक है, उसकी अगर सैलरीज की बात की जाए तो उसकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, मिनिमम 1800 होती है। उसमें भी वही हिसाब होता है कि जितनी ड्राइवर ज़्यादा सेल करेगा उतनी ही जो उसके साथ हेल्पर्स होते हैं उसकी भी सैलरी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितनी सेल करते हैं और आप लोगों को कितनी सैलरी चाहिए। ठीक हो गया, अभी नेक्स्ट जो है सेल्समैन्स की वैकेंसी आ जाती है। सेल्समैन्स की वैकेंसी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, 4 to 5000 दिरहम इसमें सैलरीज होती है। और इसमें जो है जो अनस्किल्ड जो लोग होते हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें जो स्किल्ड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एजुकेशन अच्छी है, डिग्री डिप्लोमा वगैरह जिनके पास होता है वही लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नीचे देखें मर्चेंडाइजर्स, मुख्तलिफ जगहों में आप लोगों ने देखे होंगे मर्चेंडाइजर लगे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी कंपनी का अलमराई के प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर मर्चेंडाइजर्स भी होते हैं, वो कंपनी का सामान को की जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी निकाल रहे हैं मर्चेंडाइजर भी। बाकी नीचे आप लोग जितनी देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन ऑपरेटर, ये जितने भी वैकेंसीज मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, प्रोडक्शन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फ्लूइड डिस्पैचर, इन सब की अगर सैलरीज की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरीज हैं इनकी भी। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, डेयरी फार्म टेक्नीशियन, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, लॉजिस्टिक्स कंट्रोलर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, ब्रांड मैनेजर, इसके अलावा वुमेन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। तो ये तमाम तरह गाइस वैकेंसीज इनके रिलेटेड अवेलेबल रहती है। तो आप लोगों से मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम इस CV कंपनी को ज़रूर भेजा करें ताकि कंपनी को आप लोगों की CV मिले, और अगर जिस टाइम जैसी कोई भी वैकेंसी खाली होगी तो आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। अलमराई कंपनी की बात की जाए तो इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, अलमराई कंपनी में अगर आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग कोई अच्छी जॉब कंपनी के पास आइए तो वो सबसे पहले आपको पूछेंगे, आपको प्रमोशन देंगे एक अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी सैलरी भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप लोग टीम लीडर हेल्पर काम कर रहे हैं तो टीम लीडर की अगर वैकेंसी है तो आपसे पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद वो टीम लीडर की वैकेंसी आप लोगों को दी जाएगी। इसी तरह बड़ी वैकेंसीज भी हैं, जैसे जैसे आप लोग कंपनी में पुराने होते जाते हैं आपकी सैलरीज भी बढ़ती जाती हैं और आप लोगों को बेनिफिट्स भी अच्छे दिए जाते हैं और आप लोगों को काफ़ी खुश रखा जाता है। अलमराई कंपनी सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी कंपनी है ये, इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि कम से कम यार अपनी CV तो आप लोग कंपनी को पहुँचाएं ना, जॉब मिले ना मिले वो एक दूसरी बात है, आप लोग कम से कम अपनी CV तो कंपनी को पहुँचाएं ना।
अब आप लोग साथ एक और डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ। देखिए बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हाउस अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, एनुअल बोनसेस दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, पेड वेकेशन दी जाती है हॉलीडेज़ की जो होती है, रिटायरमेंट प्लान्स हैं, इसका पेंशन प्लान्स, रिलोकेशन असिस्टेंट, एम्प्लॉयमेंट डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स, सब्सिड्यूस मील्स, यानी कि हर किस्म के एक अच्छी कंपनी जो भी अपने स्टाफ को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वो अलमराई कंपनी भी आप लोगों को दे रही है। ठीक है, दुबई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी गल्फ कंट्रीज में अलमराई कंपनी है उनमें आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी एजेंट के हाथ में ना जाएं, एजेंट्स इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अलमराई कंपनी के नाम के ऊपर जो है फ्रॉड कर रहे हैं। बाकी देखिए सैलरी रेंज भी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जो है अगर अच्छी सैलरी 4,000-6,000 सऊदी रियाल मिलती है, अब यहाँ पे किस बंदे को मिलती है एडिशनल ऑफ एंट्री लेवल की जो अलमराई की जॉब होती है, एंट्री लेवल जो यानी कि क्वालिफिकेशन जिनके अच्छे जो अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनकी कम से कम सैलरी 4,000-6,000 होती है। ठीक है, अब इसके बाद डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे आप लोग 8,000 सऊदी रियाल से 15,000 सऊदी रियाल तक की भी सैलरी होती है। अब ये किसकी है जी, इंजीनियर्स वगैरह जो स्टोर मैनेजर्स होते हैं उनकी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं तो इनकी काफ़ी अच्छी सैलरीज होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं 20,000 सऊदी रियाल टू 40,000 सऊदी रियाल पर मंथ, ये भी सैलरी आप लोगों को मिलती है। कंपटीशन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंपनसेशन पैकेजेस कैन रेंज फ्रॉम 20,000 सऊदी रियाल टू 40,000 सऊदी रियाल सैलरी, यानी कि आप लोगों ने एक दफ़ा कंपनी में जाना है और उसके बाद आप लोगों को जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप लोगों की सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले ये आप लोगों को अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों को हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ, कंपनी के नंबर्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मेंशंस नज़र आ रही है, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म कैसे, अगर आप लोग सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, अगर आप लोग सऊदी अरेबिया से बाहर हैं और सऊदी अरेबिया कंपनी में अलमराई में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ये नंबर डायल करेंगे, ये जो भी आप लोग को मैंने हाईलाइट करके दिया है, +9661145366888। ठीक है, फ़ोन नंबर आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसकी पीओ बॉक्स की जो लोकेशन है पीओ बॉक्स 8524 रियाज 11492, इसके ऊपर गाइस ये चीज़ मैंने मेन आप लोगों को बता दी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को कोई भी नहीं बताता, अभी जो मेन वैकेंसी इस टाइम अवेलेबल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इस टाइम अवेलेबल्स हैं और आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। तो गाइस सबसे पहले ये जो अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, सेल्स के रिलेटेड सुपरवाइजर्स की ज़रूरत है, मैं हाईलाइट भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि ईजिली आप लोग देख सकें, सेल्स सुपरवाइज़र की वैकेंसी अवेलेबल्स हैं, पोल्ट्री फार्मिंग की सीनियर टीम मैनेजर, टेक्नीशियन, स्टॉक कंट्रोलर, डिवीजन प्रोडक्शन, मार्केटिंग मैनेजर, इंडिविजुअल, यानी कि जब आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोगों को हर चीज़ देखने को मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो भाई एक बार क्लिक करने से अगर ओपन नहीं हो रही तो आपका काम है आप लोग दोबारा से जो है वेबसाइट को क्लिक करके उसे चेक करें, दोबारा हो जाएगी। कभी कभी सर्वर में एरर आता है जिसकी वजह से वेबसाइट ओपन नहीं होती, अगर आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो एक बार अगर नहीं होती तो मेरे भाई दोबारा ओपन कर लें, इसमें कौन सी बात है। ठीक है, एक बार क्लिक करने से ओपन नहीं होती तो दोबारा ओपन कर लें। तो गाइस ये तमाम डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होती। इस वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप लोग लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन में इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आएँ, आके जो जॉब आपको अच्छी लगती है यहाँ पर सर्च करें और उस जॉब्स के लिए इजीली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक होगा गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।